बिहार में शराबबंदी क्या हुई, गोपालगंज जिले की जमीन ने तो अनाज की जगह दारू उगलना शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो खुद वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल शराबबंदी के बावजूद गोपालगंज में रोज शराब की बड़ी खेप जब्त की जाती है और धंधेबाज भी गिरफ्तार किए जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ शराब की तस्करी बिना रोक टोक के जारी है। शराब के अवैध काम को रोकने के लिए जिले के डीएम और एसपी अपने अन्य अधिकारियों के साथ अचानक मजागढ़ के गांव पहुंचे। डीएम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर गांव के बाहर करीब आधा दर्जन घरों में कच्ची शराब बनती है। इस सूचना पर डीएम और एसपी के अलावा सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने कई घरों में घुसकर शराब की खेप को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इन घरों में शराब नहीं मिली, लेकिन घर के पास गेहूं लगे खेत में जब पुलिस जवानों ने बारीकी से सर्च किया तो यहां जगह जगह कच्ची स्क्रिट और शराब के ड्रम जमीन के अंदर दबे होने की बात पता चली। यहां से पुलिस जवानों ने एक दर्जन से ज्यादा ड्रम बाहर निकाले और कच्ची शराब को नष्ट किया गया। जमीन से शराब की बरामदगी के बाद डीएम ने यूपी की सीमा से सटे NH-28 के किनारे कई लाइन होटलों की जांच की और यहां शराब पिए जाने की पुष्टि होने के बाद एक होटल संचालक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। न्यूज़ डेस्क।